पिपिलीर स्वप्नेश्वर मंदिर पुनरुद्धार दावी उठेले धर्मेन्द्र प्रधान रत्नचीरा उपत्यका को नहीं मध्य जाहिर कले चिंता। केन्द्र संस्कृति मंत्री हस्तक्षेप लोड़िले स्वप्नेश्वर मंदिर विपज्जनक स्थित रही ऐतिहासिक आध्यात्मिक सामाजिक सांस्कृतिक गुरुत्व को दृष्टि रखी निष्पत्ति नेबाकु अनुरोध करिसेंति से। वीर पुरुषोत्तमपुर गाँव में रही स्वप्नेश्वर महादेव मंदिर से भली रत्नचीरा मुहाण में ऐतिह राज्य रक्षणाबेक्षण चिठी लिखि तुरंत मंत्री व्यक्तिगत हस्तक्षेप लोड़ी। निकट में नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज पक्षर पिपिली गस्त करा जो समय वीर पुरुषोत्तमपुर गाँव में षष्ठ और सप्तम शताब्दी प्राचीन मंदिर संधान मिलता तेज मंदिर ढांचा विपज्जनक स्थित रही चिंता जाहिर कले धर्मेन्द्र प्रधान। से भली रत्नचीरा उपत्यका नहीं अनेक किंवदंती रही प्रभु श्रीराम माँ सीता तृष्णा मेटाइवा मुक्ता मुदीर साहय नहीं रत्नचीरा नदी उत्पत्ति होता एभली एक ऐतिहासिक स्थल ठीक डॉक्यूमेंटेशन सह रक्षणाबेक्षण मंत्री हस्तक्षेप लोड़ी केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। तेज पुणि थे कही रखापी चाहिए पिपिली स्वप्नेश्वर मंदिर और रत्नचीरा मंदिर नहीं चिंता व्यक्त करिसेंति केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। यार पुनरुद्धार दावी उठाई चिंता जाहिर करिसेंति केन्द्र संस्कृति मंत्री हस्तक्षेप लोड़ी। स्वप्नेश्वर मंदिर विपज्जनक स्थित रही ए बाबद अधिक सूचना पाई पिपिली रु दुर्गामाधव परिडा फोनलाइन आम प्रतिनिधि जोड़ी होती। दुर्गामाधव ओडिशार ऐतिहासिक आध्यात्मिक सामाजिक सांस्कृतिक गुरुत्व को दृष्टि रखी केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान यार रक्षणाबेक्षण अनुरोध करूचना रही वास्तविक भाव में जानवाक चाहिए रत्नचीरा और स्वप्नेश्वर यार ऐतिह कौन रही यार कीर्तिराजी कौन रही आमे बर्तमान जो मधु मंदिर कथा कहे ये हूँ प्राचीन जो आम अच्छी गुप्त जुगर मंदिर ये यार जहाँ जहाँ अंचल जो अच्छा बासिंदा मैंने स्थानीय जो वीर पुरुषोत्तम पिपिली ब्लक वीर पुरुषोत्तम पंचायत जो बासिंदा मैंने अच्छा इमान कहवा कथा ये मंदिर हूँ बहुत पुरातन मंदिर जो ये जो मंदिर जो पत्र सब काम होती जो 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 टाइप मूर्ति सब काम होती ये मानने कलाकृति नुए ये बहुत पुरातन कलाकृति मंदिर बर्तमान अवस्था में मैंने फाटीगला मंदिर जराधीन अवस्था पड़ी जेहेतु केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान केन्द्र संस्कृति मंत्री को यहाँ अवगत करते यार पुनरुद्धार करने की जो दाबी रखी ग्रामवासी मैंने जगार अच्छा स्वागत कर बाबद्रे अधिक सूचना पाई सीधा सड़क ब्रह्मगिरी प्रतिनिधि कालूचरण आम सहित जोड़ी होती। कालूचरण जानवाई चाहिए जे जो कथा बा जो चिंता प्रकट करिसेंति केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान पिपिलीर स्वप्नेश्वर मंदिर कथा कहतु बा रत्नचीरा उपत्यका यार ऐतिह कौन रही कहीं वर्तमान समय यार रक्षणाबेक्षण आवश्यक हो पड़ी। निश्चित भाव में गोटे बड़ कथा जत मंत्री ओडिया मंत्री केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान जो भी भाव में दुईट पदक्षेप गुरुत्वपूर्ण जिनस दृष्टि एवं किभ भाव में ऐतिह बजाय रही चिंता प्रकट करते गत किसी दिन पूर्व पिपिलीर जो स्वप्नेश्वर मंदिर रही प्रत्नतत्व विभाग आसिक मंदिर टी ठाब कर प्राचीन मंदिर बोली प्रत्नतत्व विभाग अधिकारी मैंने यापर मंदिर किभ भाव में सुरक्षा कर मंदिर किभ भाव में ऐतिह बजाय रही केन्द्रमंत्री पूरा चिंता प्रकट कर जो पर्यटन विभाग मंत्री को चिठी लिखिंट गोटे कथा हूँ रत्नचीरा नदी कथा से उल्लेख करते कि रत्नचीरा नदी संपूर्ण भाव में अनेक पौराणिक ऐतिह्य को बखाणुवा बेले कि रत्नचीरा नदी संपूर्ण भाव में अवहेलित अवस्था पड़ रही है। पिपिल ठूर आरंभ करके पूरी पूरी सदर ब्लक सत्यवादी बलंगा और ब्रह्मगिरी ब्लक यही चारोटी ब्लक रत्नचीरा नदी प्रभावित होती कि रत्नचीरा नदी अनेक पौराणिक कथ रही से किभ भाव से रत्नचीरा नदी को किभ भाव में पुनरुद्धार कर ऐतिह
ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁଡ଼ାକ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ବଜେଇ ରଖାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନଦୀର ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଅଛି ଯେ କୁହାଯାଇପାରିବ ନଦୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନଦୀ ଉପରେ ମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନଦୀର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ବି ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ନଦୀ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଐତିହ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଉଛି ବା ପୌରାଣିକ ନଦୀ କଥା କୁହାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଦୀ ଅବହେଳିତ ଆଜି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି ତେବେ ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଜିନିଷ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶା କରିପାରିବା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ହିସାବରେ ବା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହିସାବରେ ଏତିକି ଆଶା କରିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅର ଏଭଳି ଚିନ୍ତା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ କହୁଛନ୍ତି କାରଣ କାହିଁକି ନା ଆଗାମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅନେକ କିଛି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ବା ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ କଥା ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ନଜର ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ଠାବ କରାଗଲା ପିପିଲି ନିକଟରେ ତା ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଆଶା ଥିଲେ ସେ ମନ୍ଦିର କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେଠି ରହିଥିଲା ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ସେ ମନ୍ଦିର କ'ଣ ତା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଅପରପକ୍ଷେ ଯେଉଁ ନଦୀର ଚିତ୍ର କଥା କହିବାକୁ ଯିବା ନଦୀର ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ କଥା କହିବାକୁ ଯିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଦୀ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଆଶା କାରଣ କାହିଁକି ନା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରିବ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କାଳୁଚରଣ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ। କାଳୁଚରଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଐତିହ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଯାହା ରହିଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୀଠ ଏସବୁକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।